नमस्कार, पहचाने का? बताइए तो जरा, आपकी चिकमिक। जानते हैं, गर्भधारण करते ही हमें डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए और जांच करवानी चाहिए। पता है दीदी, यहाँ एक ठो गांव में जब हम पहुँचे तो देखा कि एक ठो ऐसी ही औरत थी जो अपना जांच नहीं करवाई थी। फिर तो एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ कि अरे मनुष्य का बात बाद में करना, पहले कार्यक्रम के बारे में बताओ। गजबे, मतलब हम मनहूस हैं। खैर, बताएंगे बाद में। तो आज का एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि गर्भवती महिलाओं को चार बार जांच करवाना क्यों जरूरी है। तो सुने का, चलो। अरे भैया, आओ आओ सुनो एक कहानी। गांव में है एक चाची जानी, बैठे बैठे खटिया पे वो रखती है पूरे गांव की निगरानी। नजर से उनकी बचते हैं सब, बातों से भी हैं घबराते, क्योंकि रोक कर लोगों को आते जाते पूछती है वो बहुत सारी बातें। और फिर जितने लोग देते हैं जवाब, चाची भूल जाती है अपना सवाल। तो चलिए सुनते हैं ऐसे ही एक दिन की बात, जब सूरज भैया लेकर जा रहे थे निराली भाभी को आंगनबाड़ी कराने उनकी गर्भ की जांच। अरे ओ सूरज, कहाँ जा रहा है बहू को लेकर? चाची, आपकी बहू पेट से है, बस उसी की जांच कराने जा रहे हैं। अरे भैया, ऐसे रोज रोज जांच कौन करवाता है? हाँ, कुछ परेशानी है क्या बहू को? रोज रोज कहाँ गई चाची, एक महीने पहले गई थी, अब दूसरी जांच के लिए जा रही है। ज्यादा डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़ो, मैं बता देती हूँ। अरे चाची, सहिया दीदी ने बताया था गर्भवती की कम से कम चार बार जांच होना बहुत जरूरी है। एक गर्भ पक्का होने के 3 महीने के अंदर, दूसरी 4th और 6th महीने के बीच, तीसरी 7th-8th महीने में और चौथी 9th महीने में। और पता है चाची, ये जांच करवाने से गर्भवती और होने वाले बच्ची की सेहत का ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। गर्भवती को आयरन की गोली और आराम की सलाह दी जाती है, साथ ही कोई भी परेशानी हो तो समय रहते इलाज हो जाता है। अरे अरे वरे नहीं चाची, अब समय बदल रहा है, सारी सुविधाएं बढ़ रही है, तो हम सबको भी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। चलिए हम चलते हैं, देर हो रही है। अरे बेटा, ये तो बता के जा कि तू और बहू जा कहाँ रहे हो। हैं? गजब, तो सुने ना कि गर्भवती महिलाओं को चार बार जांच होने से उनका कितना फायदा है। ये सब तो अभी ही पता चला है, पहले अपना सवाल पूछ लो। गजब भाई, बोलने तो दीजिए हमको। तो जो लोग भी हमको अपना मोबाइल वा में सुन रहे हैं, वो लोग बताइए कि क्या आपको इस कार्यक्रम से कोई नई जानकारी मिली? अगर मिली तो वो क्या है? अपने अपने धन्यवाद।